तुर्की का दौरा इधर से आगाज कर लेते। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तुर्की का एक इंतहाई कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। दौरा हमारी मैंगो डिप्लोमेसी का हिस्सा था। निहायत कामयाबी से तैयब अर्दोगान को जबरदस्ती गले लगाया, आमों को कमाल महारत से मियां बीवी में आधा आधा तकसीम किया। खबर लगवाई के बिजनेसमैनों से बड़ी कामयाब मुलाकात हुई और वापस उसी मुल्क लौट आए जहां हर वक्त खराब माशी हालात, बिगड़ती मईशत, डिफॉल्ट के खतरों की आवाजें रोज बरोज बुलंद हो रही हैं। इस मुल्क की पिस्ती अवाम को रोज ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि इस मुल्क के हाकिम किफायत शारी की नई मिसालें कायम करने जा रहे हैं। तो वापस आ गए अपनी कामयाब मैंगो डिप्लोमेसी के बाद। वजीर खारजा पाकिस्तान अब 42वें दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। 42nd हमारी कैलकुलेशन शायद 42 दौरे अब तक ये कर चुके हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर और ज्यादा अहम खबर यह है कि उर्दन के वली अहद की शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत भी वजीर खारजा साहब की जानिब से कबूल कर ली गई और वहां पर भी शिरकत करेंगे। एक तरफ मुबारकबाद देने जा रहे हैं, एक तरफ शादियों में शिरकत करने जा रहे हैं और इस मुल्क में महंगाई की शरह 38% हो गई। अहम दौरा हो, ताल्लुकात किया, सब जानते हैं, समझ आता है कि कौन से दौरे अहम होते हैं, हमें कौन से दौरों पे जाना चाहिए, वहां पर जो आपकी डिप्लोमेसी है उसकी जरूरत है, आपकी जरूरियात है, जिसकी वजह से लगाते समझ में आता है, नजर आती है कि आपके लिए अहम। लेकिन दुनिया देखने का शौक ऐसे पूरे करना मेरी समझ से बाहर है। मुबारकबाद जैसे हम पहले बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, फोन करके भी दे सकते थे। इससे पहले माजी में जब भी कोई वजीर आजम पाकिस्तान में बना है या बाहर कोई वजीर आजम बना, टेलीफोन करके मुबारकबाद। लेकिन यहाँ पर अब वजीर आजम साहब ने ये बड़ा जरूरी समझा कि वो खुद जाएं और जाती तौर पर मुबारकबाद पेश करें एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम जहाँ पर हालात आपके पास आपके सामने। लेकिन ये जरूर कहूंगा बिलावल साहब जो शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इसका मेरे पास नहीं,